परमेश्वर मूसा ला बलाथे। यूसुफ के मरे के बाद ओकर सब रिश्तेदार मिस्र देश में रहे लागिन। ओमन और ओमन के वंशज कई बछर मन तक ले मिस्र में रहिन और ओमन के बनेच संतान मन जन्म हुई। ओमन इजरायली कहलात रहिन। कई सौ बछर मन के बाद इजरायली मन के संख्या बनेच बढ़ गई रहिस और मिस्री मन से मन अब ई गोइट पर आभारी नहीं रहिन कि ओमन के मदद करे बर यूसुफ हर बनेच कुछ करे रहिस। ओमन इजरायली मन ले डर गिन काबर कि ओमन संख्या मा ओमन ले बनेच ज्यादा रहिन। इकर बर उस समय मिस्र देश मा राज करे वाला फिरौन हर इजरायली मन ला मिस्री मन के नौकर बना दिस। मिस्री मन हर इजरायली मन ला बनेच महल और इकरा तकले कि कई ठन नगर मन ला बनाए बर मजबूर करी। उ कठिन परिश्रम हर ओमन के जीवन मन ला बड़ दुखदाई बना दिस। लेकिन परमेश्वर हर ओमन ला आशीष दिस और ओमन के बनेच ज्यादा संतान मन उत्पन्न होइन। फिरौन हर देखिस कि इजरायली मन के बनेच संतान मन जन्म होत रहिन। इकर बर ओहर अपन मन से मनला इजरायली मन के सब नर नयिका मनला नील नदी में फेंक के मार डारे के आदेश दिस। एक विशेष इजरायली नारी हर एक जन बेटा ला जन्म दिस। ओहर और ओकर पति हर जितकी उमर ले होइस ई लयिका ला लुका के राखिन। जब उ लयिका के माता पिता ओला और ज्यादा लुकाए नहीं सकिन तहां ओला मरे ले बचाए बर एक ठन तैरे वाला टोकरी मा नील नदी के तीर मा बंसुल मन के मांझा मा राख दिन। ओकर बड़े बहिन ओला देखे बर ओकर पहरेदारी करीस कि ओकर संग का होही। फिरौन के बेटी हर उ टोकरी ला देख के ओकर भीतर मा झांकीस। जब ओहर एक जन लयिका ला देखीस त ओहर आपन बेटा के रूप मा ले लीस। ओहर एक जन इजरायली नारी ला ओला दूध पिलाए बर काम मा राख लीस बिना ई जाने कि ओहर उ लयिका के सच मा माता रहिस। जब उ लयिका अतकी बड़े होगीस कि अब ओला अपन माता के दूध के जरूरत नहीं रहिस त ओहर फिरौन के बेटी ठी ओला लौटा दिस। ओकर नाम मूसा रहिस। एक दिन जब मूसा बरखा हो गए रहिस त ओहर देखिस कि एक जन मिस्री एक जन इजरायली नौकर ला पीटत हे। मूसा हर अपन संगवारी इजरायली ला बचाए के कोशिश करिस। जब मूसा हर सोचिस कि ओला कोनो नी देखी ही त ओहर उ मिस्री ला मार डारिस और ओकर लाश ला माटी मा तोप दिस। लेकिन मूसा हर जोन करे रहिस ओला कोनो हर देख ले रहिस। फिरौन ला पता चल गिस कि मूसा हर का करिसे। ओहर ओला मार डारे के कोशिश करिस लेकिन मूसा मिस्र ले जंगल मा भाग गिस। फिरौन के सैनिक ओला ओकरा खोजे नहीं सकिन। मिस्र ले धुरिहा जंगल मा मूसा एक ठन चरवाहा बन गे रहिस। ओहर ओकरा एक झन नारी ले बिहा कर लीस और ओकर दू झन बेटा उत्पन्न हुई। मूसा अपन ससुर के भेड़ मन के गुहड़ी के देखभाल करत रहिस। एक दिन ओहर एक ठन बरत झाड़ी ला देखिस जोन भस्म होए बिना बरत रहिस। ओला देखे बर ओहर उ झाड़ी के लकठा मागिस। जब ओहर बनेच लकठा मा रहिस तब परमेश्वर हर ओला गुठियाइस। ओहर कहिस हे मूसा अपन जूता ला उतार दे ते एक ठन पवित्र जगह मा ठाड़े हस। तहां परमेश्वर हर कहिस मैं हर अपन मन से मन के दुख मल्ला देखे हाँ। मैं तोला फिरौन ठी भेजी हाँ ताकि ते इजरायली मल्ला मिस्र के गुलामी ले निकार के लानबे। मैं ओ मल्ला कनान देश ला दी हाँ उ देश जेकर मैं हर अब्राहम इसहाक और याकूब ले प्रतिज्ञा करे हाँ। मूसा हर पूछिस अगर मन से मन जाने बर चाहिही कि मोला कौन भेजी से तब मैं का की हाँ। परमेश्वर हर कहिस जोन मैं अ सो मैं अ ओमन ला कह मैं अहर मोला तुम्हर ठी भेजी से। ओमन ले ई घोले कह मैं तुम्हर पुरखा मन अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा
मोर ई नाम सदा के। मूसा डरत रहीस और फिरौन ठी जाय बर नी चाहत रहीस, काबर की ओहर सोचिस कि ओहर बढ़िया रीति ले गोठियाई नी सके। इकर बर परमेश्वर हर मूसा के भाई हारून ला ओकर सहायता करे बर भेजिस। निर्गमन अध्याय 1:4 ले बाइबिल के एक ठन कथा।